नमस्कार किसान साथियों, किसान साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंदौर मंडी की जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट है दोस्तों, वो हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों आज दिन हो गया है 5 नवंबर 2020, और 5 नवंबर 2020 को इंदौर मंडी में क्या तेजी, क्या उछाल, ये 3 बजे की जो फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों सारी जानकारी के साथ इंदौर मंडी के साथ साथ मैं और मंडियों के, जैसे कि नासिक है, और मंडियों के भाव भी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी के साथ बताएंगे। और दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप भी हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इंदौर मंडी में सबसे फर्स्ट बोली क्या लगी है। दोस्तों सबसे फर्स्ट बोली 3 बजे तक 5,000 रुपये तक लग चुकी है, और दोस्तों सुपर क्वालिटी का माल है 4,500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक के भाव में बिक चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इंदौर मंडी में लड्डू प्याज के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये लड्डू प्याज है ये दोस्तों 3,500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक के भाव में बिक चुका है। और दोस्तों बात करते हैं गोल्टा प्याज की, ये दोस्तों 2,400 रुपये से लेकर 2,800 रुपये तक के भाव में बिक चुका है। दोस्तों बात करते हैं जो छोटा प्याज होता है, ये 1,500 रुपये से लेकर 2,300 रुपये तक के भाव में बिक चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं जो खराब प्याज होता है, ये दोस्तों 500 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक के भाव में बिक चुका है। दोस्तों बात करते हैं नासिक मंडी, क्योंकि दोस्तों नासिक मंडी में आज 5,500 रुपये तक का जो प्याज का भाव है वो पहुंच गया है। क्योंकि दोस्तों आज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बोली और हाईएस्ट महंगा प्याज, सबसे ज़्यादा उच्चान जो प्याज में चढ़ान देखने को मिली है वो दोस्तों नासिक मंडी में ही देखने को मिली है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी में, उत्तर प्रदेश की मंडी में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों 3,500 4,000 तक जो आज का जो रेट है, प्याज का जो रेट है वो देखने को मिला है।